हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे कोण जांचक और डीप प्रोट्रैक्टर का प्रयोग करके हम कोण माप सकते हैं। इस वीडियो में हम कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज गोलू और भोलू एक मजेदार खेल खेल रहे हैं। वे कुछ चित्रों को देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि उनमें बन रहा कोण कितने डिग्री का होगा। आइए देखें कि कौन सही से कोण पहचान पाता है। चलो भोलू, इस कोण को देखकर बताओ कि यह लगभग कितने डिग्री का होगा। देखने में तो यह समकोण लग रहा है, यानी कि इसका माप 90 डिग्री होगा। चलो डी की मदद से इसका सही माप निकालते हैं। अरे हाँ, यह तो 90 डिग्री का कोण है। अरे वाह, तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही था। चलो अब अगले चित्र के कोण का माप मैं बताता हूँ। यह कोण तो 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, लेकिन यह कोण 180 डिग्री से छोटा होगा। चलो इस कोण को माप कर देखते हैं। इसका माप 120 डिग्री से थोड़ा ज्यादा आया। तुम्हारा अंदाजा एकदम सही निकला गोलू। यह कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। अब इस कोण को देखो गोलू, मुझे तो यह कोण 90 डिग्री से छोटा लग रहा है। क्या भोलू का अंदाजा सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सोच सकते हैं। हाँ, देखो इसका माप लगभग 60 डिग्री आया। यह खेल तो बहुत मजेदार है। अब घड़ी में बन रहे इस कोण को देखो। अरे, यह कोण 90 डिग्री से तो बहुत छोटा लग रहा है। इतना ही नहीं भोलू, यह कोण तो 90 डिग्री के आधे यानी कि 45 डिग्री के कोण से भी छोटा लग रहा है। हाँ भोलू, यह देखो, इसका माप तो 30 डिग्री से भी कम है। तो देखा आप सबने कैसे गोलू और भोलू ने कोण का माप निकालने में भी एक मजेदार खेल ढूंढ लिया। आप भी अपने दोस्तों के साथ ऐसा खेल खेलिए और देखिए कि क्या आप सभी उत्तर सही दे पाते हैं या नहीं। इस वीडियो में हमने कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कोण बड़ा है? सोचिए सोचिए, इसका सही उत्तर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। अगली वीडियो में हम कोण पहचानने और डी की सहायता से कोण को मापने से जुड़ी कुछ सामान्य गलतियाँ देखेंगे। धन्यवाद।